भीम चूल्हा, हिस्टोरिकल प्लेस इन झारखंड, मोहम्मदगंज, झारखंड, भारत। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मदगंज के इस इलाके में ही महाभारत काल से जुड़ी किसी एक विशेष घटना का यहाँ उल्लेख मिलता है कि जब पांडवों को 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, उसी दौरान की ये घटना का जिक्र यहाँ पर मिलता है कि यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडवों और माता कुंती के साथ इधर ही से गुजरते हुए यहाँ विश्राम किए थे और यहीं पर भीम ने खाना बनाया था। ये देखिए झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, भीम चूल्हा पर्यटन स्थल, यही भीम चूल्हा है। और ये स्थल पूरा भीम चूल्हा के नाम से मशहूर है झारखंड राज्य में। ये हिस्टोरिकल प्लेस झारखंड राज्य के मोहम्मदगंज में स्थित है। झारखंड राज्य के द्वारा इस जगह को डेवलप तो किया गया है लेकिन मेंटेनेंस की थोड़ी सी कमी लग रही है और पर्यटक भी बहुत कम आते हैं। ये जो आप मेरे सामने शिव मंदिर देख रहे हैं, जी हाँ ये शिव मंदिर है, संभवतः यहीं पर पांचों पांडव और माता कुंती ने शिव जी की पूजा की थी। ये देखिए इस मंदिर के प्रांगण में ही पांचों पांडव और माता कुंती की मूर्ति लगी हुई है। इधर हजारों साल पुराना एक छोटा सा शिवलिंग भी है। इस शिवलिंग का निर्माण किसने करवाया ये कहीं भी लिखित वर्णन में नहीं है। ये मंदिर तो हाल फिलहाल में 40-45 साल पहले बनवाया गया है। शिव जी का ये मंदिर है। पास में ही कोयल नदी बहती है, संभवतः यहीं पांचों पांडव और माता कुंती ने विश्राम किया होगा। और ऐसा कहते हैं कि भीम ने यहाँ पे खिचड़ी बनाई थी। ये वही कराहा है जिसमें भीम ने खिचड़ी बनाई थी। ये हजारों साल पुराना पीपल का वृक्ष है, संभवतः इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया था। और पास में ही कोयल नदी बहती है। ये देखिए कोयल नदी का दृश्य। यहाँ पांचों पांडव और माता कुंती की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आइए चलिए अब आपको और इधर दिखाती हूँ। इधर हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है और इस पीपल के छोटे से पौधे के बारे में बोला जाता है कि इसे जब नोच के हटा दिया जाता है तो ये फिर उग आता और इतना ही बड़ा साइज का हमेशा रहता है। चलिए और चारों तरफ का दृश्य आपको दिखाते हैं। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है जिस पर राम जी और लक्ष्मण जी कंधे पर सवार हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। इधर भी हनुमान जी की है और शिवलिंग, शिव मंदिर तो आपको दिखाया ही मैंने। ये बहुत बड़ा सा चट्टान है, बहुत लोगों ने इसे तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन नहीं टूट पाया। ये चारों तरफ का दृश्य। ये शिवलिंग है, ये देख लिया आपने। संभवतः लोग कहते हैं कि
पांचों पांडव और द्रौपदी जी ने यहाँ इन्हें स्थापित किया था और उन्होंने पूजा भी की थी। यहाँ तुलसी जी की गाछ लगी हुई है, अभी तो मंदिर बंद है। चारों तरफ का दृश्य देखिए, व्यू कितना सुंदर है। इधर का दृश्य चलिए आपको दिखाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी ये जगह बहुत ही रमणीय लगती है। ये कोयल नदी है, ज़्यादा मैं करीब जा नहीं रही हूँ क्योंकि थोड़ा ढलाव है इधर और गिरने की संभावना है, इसलिए ज़्यादा मैं करीब जा नहीं पा रही हूँ। तो आप यहीं से दृश्य देखिए, कितना मनोरम दृश्य है, वाह बेहतरीन। यहाँ लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, कुछ कर रहे हैं नदी में, संभवतः मछलियां पकड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कहीं बहुत ज्यादा, इधर ट्रेन आ रही है, आप ट्रेन का भी दृश्य देख सकते हैं, बहुत सुंदर। सुबह सुबह यहाँ का दृश्य बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इधर का भी एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे क्या। हाँ ये देखे हैं, ये सिंबॉलिक रूप से उन लोगों के पांचों पांडवों के पद का चिन्ह है। यहाँ पर्यटक तो आते हैं लेकिन बहुत ही कम आते हैं। अगर इस जगह को डेवलप किया जाएगा तो और सुंदर भी दिखेगा और पर्यटक भी ज़्यादा मात्रा में आएंगे। बहुत ही खूबसूरत है ये झारखंड के मोहम्मदगंज का दृश्य। और ये कोयल नदी और कौन सा ब्रिज है, मोहम्मद ब्रिज, मोहम्मदगंज का ये भीम ब्रिज है ना, भीम ब्रिज, बैराज है बैराज। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस स्थान को कटीली तारों के बारे से घेर दिया गया है ताकि कोई जानवर अंदर घुसकर यहाँ नुकसान नहीं करे। इधर देखिए पहाड़ में ही बना हुआ हाथी का दृश्य, ये पूरा पहाड़ ही है और आसपास का दृश्य देखिए कितना मनोरम लग रहा है। ये अनोखा पहाड़, इसमें हाथी का फेस गढ़ दिया गया है। भीमचूला के साथ साथ ये दृश्य भी बहुत ही अनोखा है, बहुत अजीब। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।